हमारे को परेशान करते हुए एक हफ्ते से हम बर्दाश्त कर रहे हैं। कभी नगर परिषद वाले, कभी फायर ब्रिगेड वाले रोज आ रहे हैं। त्योहारों के दिन है, जैसे जिमीदार का टमाटर सीजन होता है, हमारा भी त्योहारों का दिन होता है। हम पूरा साल इसी त्योहारों के दिनों की इंतजार करते हैं, लेकिन कहाँ खो बैठा प्रशासन। आज जानबूझकर किस खुंदक को निकालने के लिए रोज प्रशासन के अधिकारी बाजार में आके व्यापारी को तंग कर रहा है। आज हम परेशान हो चुके हैं और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर यही सिलसिला इनका जारी रहा हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। सोलन में किसी को सब्जी दूध ब्रेड भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल अगर ये प्रशासन का रवैया जारी रहा। ये कहाँ की गुंडागर्दी है? ये आज तक 50 साल हो गए, हमने कभी नहीं देखा कि ऐसा कोई अधिकारी आके दुकानदार को परेशान करे। आपके सामने है यार, त्योहार के सीजन है, हम किसको परेशान कर रहे हैं? अपनी रोजी रोटी कमा के खा रहे हैं, हमने किसी को क्या गलत बोला है? लेकिन उसके बाद ये सरकारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये कहाँ खोई बैठी है सरकार? कहाँ यहाँ के नुमाइंदे चले गए हैं? कहाँ यहाँ का MLA है? कहाँ यहाँ के मंत्री है? कहाँ गए यहाँ का मुख्यमंत्री? क्या हम उनकी जनता नहीं है? क्या हमारे को वो दुख दर्द नहीं सहन करेंगे? हमारा कहाँ गए यहाँ के नुमाइंदे? ये इसी तरह बेलगाम घोड़ों की तरह दौड़ते रहेंगे हैं? अरे हम सबको टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम गुंडागर्दी थोड़ी कर रहे हैं। हमारे को अपनी रोजी रोटी चलाने का अधिकार नहीं है? क्या व्यापारी समाज का अंग नहीं है? हम आपके माध्यम से, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, अगर ये कल से फिर आए तो हम उसी टाइम दुकानें बंद करेंगे। अगर ये आज के बाद ये कार्रवाई हुई तो अनिश्चितकालीन के लिए बंद का आह्वान करेंगे और हम सोलन बिल्कुल ऐसा बंद करेंगे कि यहाँ किसी को पीने का पानी भी नहीं मिलेगा और कोई त्योहार नहीं मनाया जाएगा। इस बार काली दिवाली मनाई जाएगी। सुन लो मेरा, सोलन प्रशासन मुर्दाबाद। ये बहुत अच्छी कार्रवाई है, पर मेरी प्रशासन से ये प्रार्थना रहेगी कि बाजार के बीच में जो नाली से ऊपर के सड़े हैं उनके ऊपर से सामान उठाने का क्या बेनिफिट है? क्या लोग उसके ऊपर चलेंगे? अगर किसी दुकानदार का मत्था ही अच्छा नहीं लगेगा तो कस्टमर कैसे दुकान में आए? हाँ, नाली से नीचे अगर हम कोई माल लगाता है व्यापारी, वो गलत है। ये 40-50 साल से ये माल लग रहा है थड़ों के ऊपर, भाई ये थोड़ा सा नजायज तंग करने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं। ये एक मुहिम थी जो हमारे जिलाधीश महोदय जी के निर्देश के अनुसार थी। इसमें था हमारा जो रास्ते पर और सड़क पर इंक्रोचमेंट की है लोगों ने, उसको हटाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी लोगों की शिकायतें आ रही है कि हमारे को पैदल नीचे चला जा रहा है, रास्ते पर जो आपके इंक्रोचर बैठे हैं और लोगों ने अपना सामान बाहर लगाया है। इसी के तहत आज DC महोदय ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें ये टीम गठित की गई थी, जिसमें SDM महोदय हो गए थे, DC साहब थे, SHO साहब थे और हमारे फूड एंड सिविल सप्लाई के इंस्पेक्टर साहब थे और हमारी MC की पूरी टीम थी और ASI वगैरह सारे थे। इसमें हमने माल रोड से लेकर अभी ये चौक बाज़ार तक सारा ये देखा, जिसमें एक दो लोगों के चालान भी काटे गए और ये सामान भी उनसे हटाने के लिए कह दिया है। आज तो हमने कह दिया है, कल से लेकर ये हमारी मुहिम दिवाली तक ऐसी चली रहेगी। ऐसा कोई नहीं, हम चालान सबके काट रहे हैं, ऐसा सुखदार ऐसा कोई नहीं हमारे साथ कि हम किसी के साथ पिक एंड चूज कर रहे हैं। हम सबके चालान काट रहे हैं और सबका सामान भी जब्त कर। आज हमने सबको वार्निंग दी है, 4 दिन से मुहिम चल रही है और आज और वार्निंग दी सभी को हमने, चालान काटा है पिछले कदम। उसके बाद हम कल से रूटीन में कार्रवाई होगी, जो नहीं हटाएगा उसका जमाना भी जब्त करेंगे, प्लस चालान भी करेंगे साथ में। आपको नहीं लगता कि सिर्फ गरीब गुरबों तक ही सीमित रहे? कोई गरीब वाले नहीं, गरीब वो किसी को नहीं सताया जा रहा है। मार्केट में कौन सिर्फ जो दुकानदार वाले हैं उनसे ही हम कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी जो रेडी फड़ी वाले हैं उनको भी वार्निंग दे रहे हैं, आज लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। अगर वो नेक्स्ट करेंगे तो फिर उसके बाद कल से हम अभियान चलता रहेगा। ये टीम आती है तो उस्मान अंदर चला जाता है, लेकिन जब जैसी टीम जाती है तो उस्मान फिर से वहीं का वहीं है। जो हमारे बाजार के लोग हैं उनको भी थोड़ा सा समझदारी होनी चाहिए कि वो लोग भी अंदर रखें, क्योंकि बाजार भी सुंदर दिखेगा और लोग भी अच्छे, ज़्यादा भीड़ होगी और उनको जगह भी मिलेगी, ताकि सभी लोग कोऑपरेट करेंगे तभी बात बनेगी, ऐसा तो नहीं बन पाएगी ना। हम तो और भी काम होते हैं हमारे पास। बिल्कुल SDO साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे पिक एंड चूज की बात की जा रही है। नहीं, पिक एंड चूज आपने देखा होगा, आप मीडिया वाले साथ थे, पिक एंड चूज वाली कोई बात नहीं है,
सबको वार्निंग दी गई है, सबका सामान उठा दिया गया है, और जिनका नहीं है उनके लिए हम आज वार्निंग दे रहे हैं, फर्स्ट वार्निंग दे रहे हैं, कल से सामान उठा दिया जाएगा।